पर कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक में खाद्य सुरक्षा बिल समेत सदन में लटके हुए बिल को पास करवाने के लिए विशेष सत्र बुलाए जाने पर चर्चा हुई। वहीं बिल पास करवाने के लिए केंद्रीय मंत्री कमलनाथ सभी दलों से चर्चा भी करेंगे, मगर बीजेपी ने खाद्य सुरक्षा बिल पास कराने की सरकार की कोशिश को नौटंकी बताया है। उधर कांग्रेस ने खाद्य सुरक्षा बिल और भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। खाद्य सुरक्षा बिल होगा पास, सरकार ने की तैयारी, सरकार लाएगी विशेष सत्र, सभी को मिलेगा भोजन, सरकार का सियासी स्टंट, बीजेपी का सरकार पर निशाना, सरकार कर रही है नौटंकी। खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है और 7 जून को इसे लेकर एक सर्वदलीय बैठक होगी। कांग्रेस कोर ग्रुप में इस बात को लेकर काफी माथापच्ची हुई और संसद का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया गया। विशेष सत्र के लिए दूसरी पार्टियों से बात की जिम्मेदारी कमलनाथ को सौंपी गई है। साथ ही ये रणनीति भी तय की गई है कि अगर सत्र बुलाने में कामयाबी नहीं मिलती तो सरकार अध्यादेश ला सकती है। वहीं बीजेपी ने खाद्य सुरक्षा बिल पास कराने के लिए स्पेशल सेशन बुलाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि सरकार नौटंकी कर रही है। जहां तक बात है स्पेशल सत्र की, तो आप देख लीजिए कि संसद में जो मॉनसून सेशन है और जिस बीच ये बुलाना चाहते हैं 13 दिन का अंतर है, तो ये नौटंकी बंद करें। जो जैसे अरुणा रॉय कर रही थी कि 31 को उनकी टर्म खत्म हो रही है और 30 तारीख को वो इस्तीफा देती है, तो ये नौटंकी खत्म होनी चाहिए। उधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी अगर जनता के बारे में सोचती तो खाद्य सुरक्षा बिल और भूमि अधिग्रहण बिल का समर्थन करना चाहिए था। अगर वो जनता के बारे में सोचते हैं, अगर सोचते होते तो पिछले संसद में समर्थन क्यों होता? अगर आज भी वो एक पार्टी समझें, हम एक राजनीतिक दल हैं और हमारी कुछ जिम्मेदारी जनता के ऊपर है, हाउस को डिस्टर्बेंस करके सरकार को चलने नहीं दे करके उन्होंने देखा क्या हो सकता है, उसके बावजूद भी कुछ नतीजा नहीं आया कर्नाटक में, तो आने वाले दिनों में आम जनता की बात करें, आम जनता का समर्थन में मुझे विश्वास है कि उनके पार्टी में भी बहुत विद्वान लोग हैं, इस बात को सोचें और आगे जनता के हित में जो संभावना है उसको करें। प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते संकेत दिया था कि उनकी सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक और भूमि अधिग्रहण विधेयक को जल्द पारित कराने के लिए रणनीति तैयार करेगी। खाद्य सुरक्षा विधेयक और भूमि अधिग्रहण विधेयक को कांग्रेस द्वारा लोकसभा चुनावों में चमत्कार के तौर पर देखा जा रहा है। खाद्य विधेयक मुख्य रूप से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की दिमाग की उपज है। यही वजह है कि सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पास करवा लेना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज़।